5 दिन की मेहनत के बाद रानो चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ तो मेरा था, तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें कव्वे दोस्त, ऐसा ना करें, मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है, ये घर मेरा है। तो फिर ये घर उठाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। कव्वे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये घर उठाकर कैसे ले जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया रोती हुई वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और कौवा चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में लेटा खर्राटे ले रहा था। सुबह हो जाती है, अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी, पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। भोजन तो मिल गया, मैं पेट भरकर ये छोटे छोटे फल खा लेती हूँ और फिर बाद में नदी पर जाऊंगी। चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है, ए ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। चिड़िया का इतना कहना था कि साथ वाले पेड़ पर चिड़िया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर बन जाता है। चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। ए अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो भी पक्षी मेरा फल खाने के बाद मुझसे कुछ मांगेगा मैं वो दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर में चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी कि वहाँ एक तोता बैठा हुआ रो रहा था। तोते तोते भैया, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो आप? चिड़िया चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से एक अमरूद ढूंढा था, मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि कालू कौवा मेरा अमरूद छीन कर ले गया। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ, मैं आपको एक ही जगह दो अमरूद देती हूँ। चिड़िया मिठू तोते को अपने साथ ले जाती है और मीठे पेड़ से एक छोटा फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त तोते को दो मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और दो पके हुए अमरूद तोते के सामने आ जाते हैं। तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया ये तो कमाल है, मेरे अमरूद मुझे मिल गए। तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी किसी मुसीबत में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है कबूतर भैया। फिर चिड़िया जादुई पेड़ का फल खाती है और कबूतर को सोने के कुछ सिक्के उस पेड़ से लेकर दे देती है। बात चलती चलती कौवे तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है, मैं भी देखता हूँ ये उस पेड़ से कैसे चीजें लेती है। कौवा जाता है और चिड़िया के उस जादुई पेड़ से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाता है। जादुई पेड़ बूढ़ी फाख्ता को खाना दे दो। पेड़ बूढ़ी फाख्ता को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे इस पेड़ से चीजें लेती है। रात हो जाती है और चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। कौवा चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाता है। कौवा पेड़ से एक फल तोड़कर खाता है और पेड़ से कहता है, पेड़ पेड़ मुझे दो सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत कौवे को दो सोने के सिक्के दे देता है। दो क्यों, मैं तो चार भी ले सकता हूँ। कौवा फिर से उस पेड़ से फल तोड़कर खाता है और कहता है, पेड़ पेड़ मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो, इतने सोने के सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। फिर उस पेड़ से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। कौवा सोने के सिक्कों में दब जाता है। सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस बस कर जाओ पेड़ जी। लेकिन सोने के सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि कौवा उन सिक्कों के नीचे दब जाता है और वहीं मर जाता है। दूसरे दिन जब चिड़िया उठती है तो कौवे को सिक्कों के नीचे मरा हुआ देखकर कहती है, लालची हमेशा अपने लालच में ही मरता है, जैसे ये मरा।
कालू कौवा पूरे एक महीने बाद घर आ रहा था। उसके पास एक फलों से भरी टोकरी और दो बड़े बड़े बैग थे। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कबूतर भैया, ये कालू विदेश में कौन सा काम करता है जो इतनी सारी चीजें लेकर घर आ रहा है? गोरी ने बताया था कि कालू कौवा शहर वाले जंगल में पुलिस में बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं भी कहूँ, कालू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गोरी, गोरी कहाँ हो? मैं आ गया। मेरा सुंदर पति, मेरी बनारसी साड़ी लाए हो ना? हाँ हाँ, बनारसी साड़ी भी और सोने के झुमके भी सब लाया हूँ। लो ये फल निकालो और ये मिठाई पड़ोसियों में बांट देना। मिठाई भी बांट आऊंगी और सबको बता भी आऊंगी कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। तीन जंगलों का बड़ा अफसर हूँ मैं, सब मुझसे डरते हैं। कालू जी आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। शाम के बाद गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया लो, ये मिठाई तुम्हारा भाई लेकर आया है। गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना है कालू भैया पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बड़ा, बहुत बड़ा अफसर है मेरा कालू। मेरे कालू पति जी के नीचे पूरे तीन जंगल काम करते हैं। अच्छा अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर और तोते के घर भी मिठाई देने जाना है। फिर गोरी कौवी कबूतर के घर जाती है। सब आवारा आवारा कहते थे मेरे कालू पति जी को, देख लो कबूतर, मेरा पति कालू जी पुलिस में बड़ा अफसर लग गया है। लो ये मिठाई खाओ। गोरी, स्कूल में तो मेरे साथ ही पढ़ता था कालू, सबसे ज्यादा नालायक था, लेकिन पुलिस में कैसे भर्ती हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिठाई खाओ और विश्वास कर लो, अगली बार मेरा कालू पति जी पुलिस की वर्दी पहन कर आएगा, पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें खुल जाएंगी मेरे कालू पति जी को देखकर। रात को कालू कौवा गोरी कौवी के पास बैठा बड़ी बड़ी छो रहा था। एक उल्लू डाकू घने जंगल में छुप गया था, उसे पकड़ने के लिए दूर दूर से पुलिस आई, लेकिन सब हार मान गए। फिर मैं ऐसे ऐसे छलांगे लगाता हुआ घने जंगल में गया और कान से पकड़ कर ले आया उल्लू चोर को। बहादुर तो शुरू से ही है मेरा कालू जी। अच्छा कालू पति जी, अगली बार पुलिस की वर्दी पहन कर आना, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। ना ना, अलाओ नहीं है पुलिस की वर्दी पहन कर घर जाना। जब पक्षी मिठाई खाएंगे तो विश्वास भी कर लेंगे कि मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। कालू कौवा वापिस चला जाता है और वापिस जाकर अपना काम शुरू करता है। काली ऐनक लगाकर, सामने छड़ी रखकर, कपड़ा बिछाकर कालू कौवा अपने काम पर बैठ जाता है। कालू कौवे को उसके काम में अच्छा मुनाफा हो रहा था। थोड़ी ही देर में कपड़े पर ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया घबराई हुई गोरी कौवी के पास आती है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम मेरे साथ चलो, हम कालू भाई से कहते हैं कि मेरे भाई की सिफारिश कर दे। चिंता ना करो चिड़िया, मेरा पति तीन जंगलों का अफसर है, वो तो मिनटों में तुम्हारे भाई को पुलिस से छुड़वा देगा। मैं फोन करती हूँ अभी कालू जी को। गौरी कालू का नंबर मिलाती है। हेलो गौरी, कैसी हो? सुनो सुनो चिड़िया, चुप करके सुनो। कालू जी कहाँ हो? मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। बहुत बहुत बड़ा अफसर है गौरी तुम्हारा कालू। देखा देखा चिड़िया, कालू पति जी क्या खाते हो? मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाता हूँ। कालू जी रहते कहाँ हो? मैं बड़े से घर में रहता हूँ। गौरी फोन काट देती है। अपने कानों से सुन लिया, मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। गौरी जल्दी चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है जल्दी आओ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ आ जाता है। वो सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गौरी तुम कालू को फोन करो, ऐसे तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ना ना, मैं तो सरप्राइज ही दूंगी अपने कालू पति जी को। गौरी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर उड़ती है। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ सारे शहर वाले जंगल में घूमते हैं। और फिर चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। गौरी और कबूतर, वो सामने पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? मुझे तो ये कोई देखा देखा पक्षी लग रहा है। चिड़िया बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे भी वो कोई जाना पहचाना पक्षी ही लग रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और गोरी कौवी उस कौवे पक्षी के पास जाते हैं और सबकी हैरानी से चीख निकल जाती है। ये तो कालू कालू है। कालू कौवे, तुम यहाँ?
यहाँ भीख मांग रहे हो? कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे? मैं यही कारोबार करता हूँ। इस जंगल में मुनाफा अच्छा हो जाता है। कालू, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर ना आती। तुम सबसे झूठ बोलते हो और मुझसे भी। उठो, चलो घर चलो मेरे साथ, हमें नहीं ये काम करना। कवे भैया, शर्म करो, आपके कौन सा पंख टूटे हुए हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हो? फिर कालू कौवा अपना चश्मा उतार देता है। अगर 2-4 महीने और लग जाते तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर गौरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गौरी के पीछे भाग जाता है। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कबूतर भैया, ये कालू कभी नहीं सुधरेगा। चोरियाँ छोड़ी तो भिखारी बन गया।